तो दोस्तों हम लोग का प्याज भून लिया, चिकन डाल रहे हैं इसमें। जितना हम लोग का खाना बन नहीं रहा उतना देख सकते हैं कितना हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पे। कैसा लग रहा है बाबू खाने में? तुम्हारा दीपक चाचू बनाया है। ठीक है दोस्तों, अभी सब हम लोग खाते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर कहीं और जाना है क्या? दोस्तों ये बाथरूम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया सब में, इसमें शावर और सारा लग गया है। तो इसमें देख सकते हैं ये कमोड वाला बाथरूम है। अब हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के न्यू ब्लॉग में। तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे न्यू वाले घर पे आ गए हैं। तो हम लोग का जितना रूम है सारा में प्राइमर लग के सारा घिसा घिसा होकर सारा तैयार हो गया। तो अब लाइट कुछ ज़्यादा ही आ रहा है इस वाले पुट्टी में जितना लगा हुआ है। अब सिर्फ रूम सब में पेंट होना बाकी है और बाकी हम लोग का रेलिंग वगैरह लगना स्टार्ट हो गया, आधा में तो लग भी गया। तो बस उसमें रेलिंग में गिलास लगने वाला वो लगना बाकी है, बस बाकी तो सारा वो लग चुका है। तो आज दीपक भाई का बर्थडे है तो वही बुलाए हम लोग को यहाँ पे कि सब आओ, सारे दोस्त लोग हम लोग आ रहे हैं। तो बोले कि वही तुम्हारे ही घर पे ऊपर में कुछ सेलिब्रेट करते हैं, कुछ बनाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आप लोग अभी फिलहाल लोग कर क्या रहे हैं। देख सकते हैं दीपक भैया बर्थडे के दिन थोड़ा साफ सफाई कर रहे हैं। क्या करने का प्लान है यहाँ पे बताइए? यहाँ पे अभी दोस्तों रूम को साफ सफाई कर देते बढ़िया से। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं पुट्टी हो गया है, प्राइमर मारा गया था, थोड़ा गंदा हो गया था रूम। तो आज मतलब बच्चा लोग को मेरा बर्थडे है आज, तो बच्चा लोग को छोटा सा ट्रीट देने के लिए आज मुर्गा मतलब चिकन करी बना रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग सब मिल के प्याज लहसुन सब काट रहे हैं। इमारती को देख सकते हैं कि प्याज कैसे काटा है। आई लग रहा है कि होटल में काम किया है, ठीक काम कर रहा है। हाँ ठीक है। अभी लोग अच्छा प्याज काट रहा है। और आपका साफ सफाई हो गया? साफ सफाई मेरा हो गया पूरा। साफ सफाई के चक्कर में कपड़ा गंदा हो गया। क्या करें भाई, अब तुम लोग का खुशी है। तो दोस्तों हम लोग का प्याज भून लिया, चिकन डाल रहे हैं इसमें। और जितना हम लोग का खाना बन नहीं रहा उतना देख सकते हैं कितना हंसी मजाक हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अब जाके हम लोग का खाना बन के तैयार हो गया है। तो देख सकते हैं सब यहाँ पे आ गए, सब बच्चे लोग सब मिल के साथ में ही पार्टी कर रहे हैं, साथ में ही बैठ के खाएंगे। तो ये पुलाव बनाए कि चावल? चावल बना है। तो पुलाव वाला चावल, चावल पुलाव चावल बना है और चिकन बना हुआ है। तुम्हारा दीपक चाचू बनाया है। अच्छा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों अभी सब हम लोग खाते हैं, उसके बाद यहाँ से फिर कहीं और जाना है क्या? अभी तो पार्टी दे दी, अभी बड़ा लोगों में पार्टी देना बाकी है। और सुजन तुमको? अच्छा ये तो अपना खाने में व्यस्त रहता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। तब सौरभ चिकन कैसा बना है भाई? अरे मस्त बना है दोस्तों, इतना अच्छा बनाया ना, इतना अच्छा है बाबू के हम बनाए ना, दीपक भैया बनाया है, अच्छा बनाया है। तो दोस्तों आज ब्लॉग का दूसरा दिन है, तो अभी यहीं पे घर पे आए हुए, तो आज तो संडे है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं हम लोग का काम कितना कंप्लीट हुआ है। सारा रेलिंग वेलिंग लग गया है, ऊपर छत में भी सारा तीन कोट पुट्टी हो गया, प्राइमर वामर लग गया है। तो चलिए दिखाते हैं, और एक बेडरूम भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है, तो चलिए दिखाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग का रेलिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो ये जो है सारा लग गया है, ये जो बीच बीच में गैप है आपको यहाँ पे जिप्सम ग्लास आता है वो लगेगा, पूरा ऊपर तक सब में लग गया है। और दोस्तों ये बेडरूम भी हम लोग का अब कंप्लीट हो गया है, बस इसका बैकग्राउंड का ये जो है ये बन जाएगा आज तक में। तो ये बेडरूम भी कंप्लीट हो गया, ये सब में फॉल सीलिंग नहीं होगा, सिर्फ कॉर्निस लगेगा और पेंट हो जाएगा। दिखाते हैं उधर क्या काम चल रहा है। और इधर तो देखे ही थे कि हम लोग का जो फॉल सीलिंग है इधर पूजा रूम से लेकर वहाँ तक ये हो गया है, अभी वहाँ पूजा रूम का काम बाकी है।
और दोस्तों ये बाथरूम हम लोग का पूरा कंप्लीट हो गया सब में, इसमें शावर और सारा लग गया है। तो इसमें देख सकते हैं ये कमोड वाला बाथरूम है और बाकी सारा में तो ऊपर और नीचे वाला में हिंदी वाला है। जो ये बेसिन सब यहाँ पे लगा हुआ था सबका खुलवा दिए, ये वापस जाएगा, कुछ ज़्यादा ही छोटा है, इसके जगह बड़ा वाला आएगा। और दोस्तों हम लोग का ये बेडरूम का भी बेड पूरा तैयार हो गया है, इसका भी बैकग्राउंड बनना बाकी है। तो वो जो सनमाइका वहाँ पे दिख रहा है वो इस पे चिपकेगा, ये वाला बेड पे। ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि कितना रेलिंग का काम हुआ है। देख सकते हैं दोस्तों ये जो गैप सारा दिख रहा है सारा में गिलास आएगा। और अभी ऊपर इसमें भी रेलिंग लगना है, बाकी है इस साइड में भी लगेगा सेफ्टी के लिए। दोस्तों चलते हैं नीचे और देखते हैं जो बेडरूम हम लोग का कंप्लीट हो गया है उसको देखते हैं कि कितना तक ये होगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये बेडरूम हम लोग का पूरा तैयार हो गया। अभी इसका ये जो सनमाइका ये सब यहीं पर रखा हुआ, आज ये पूरा साफ हो जाएगा, ये रूम हम लोग का क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर टीवी यूनिट भी रहेगा और देख सकते हैं बस ये रूम जो बचा हुआ है यहाँ पे, ये जो दीवार बचा हुआ है इसी पे बस एक पेंट होगा और कुछ नहीं होना बाकी है। बाकी ये रूम पूरा फाइनल तैयार ही हो गया है। यहाँ एक मिरर आएगा, ऐसे कट लगा हुआ मिरर था इसमें है, तो वो भी लग जाएगा आज। अब देखते हैं कि ये तो बेडरूम तैयार हो गया, वो सब में कितना टाइम लगता है। ऐसे तो लगे हुए हैं जल्दी ही कम्प्लीट करवाने में, पर ये बेडरूम तैयार हो गया तो अच्छा लग रहा है। तभी दोस्तों हम और मम्मी आए हुए थे पूजा करने के लिए टूटी झरना मंदिर, तो अभी दर्शन करते हैं पहले जाके। तो दोस्तों हम लोग का दर्शन तो हो गया, तो आज एकादशी है तो वही पूजा करने के लिए आए हुए थे हम लोग, तो अभी जाते हैं यहाँ से घर। आज उपवास है, एकादशी व्रत है आज, इसलिए आ जाए। तो ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।